वेलकम टू सिलेक्शन आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर की, जो कि 2022 में रिटायर हो जाएगा। वेब ब्राउजर की दुनिया का अब तक का सबसे सफल ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून 2022 को रिटायर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्ष 1995 में निर्मित एक वेब ब्राउजर है, जो कुछ वर्ष पहले तक आपके विंडोज कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ब्राउजर के रूप में देखने को मिलता था। 2022 में इसके बंद हो जाने पर कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करने की सलाह दी है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी माइक्रोसॉफ्ट का ही वेब ब्राउजर है, जो वर्तमान में विंडोज कंप्यूटर्स के साथ डिफ़ॉल्ट ब्राउजर के रूप में आता है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा स्पार्टन नामक एक नए वेब ब्राउजर बनाने की घोषणा की थी। 2015 में इसके लॉन्च के समय इसे एक नया नाम दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथ अन्य सरकारी दफ्तरों में इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे में कंपनी ने क्रोमियम आधारित एज ब्राउजर के रूप में एक विकल्प प्रदान किया है कि वर्ष 2002 में कुल वेब ब्राउजर यूजर्स का 95% इंटरनेट एक्सप्लोरर यूजर्स थे। 2008 में गूगल क्रोम के आने के बाद यह संख्या घटने लगी। वर्तमान में इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास 1% से भी कम यूजर्स हैं, जबकि गूगल क्रोम 69% यूजर्स के साथ शीर्ष पर है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट सिलेक्शन आईक्यू फॉर क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द